जमीती आपण मैंने जानती दीर्घ दुई वर्ष धरी कोरोना महामारी कारण प्रथम रु पंचम श्रेणी शिक्षार्थी मानकर प्रत्यक्ष शिक्षादान शिक्षण कार्य बा श्रेणीगृह शिक्षण कार्य संभवपर हो पार ना। फेब्रुवरी मास 28 तारीख रे आम विद्यालय रे प्राथमिक श्रेणी शिक्षार्थी शिक्षादान कार्य आरंभ हो प्रथम गोटे सप्ताह धरी आपण मैंने शिक्षार्थी मानक सहित सामाजिक और आवेगिक विकास अनेक गुड़े कार्य करेंगे और शिक्षार्थी मैंने एथिरे आनंदर सहित अंशग्रहण करेंगे। जमीती कि विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ पूर्वर चिठी कर समग्र राज्य में मार्च मास 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख में प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत शिक्षार्थी मानकर मान निर्धारण बा बेसलाइन असेसमेंट कार्य संपादन करा जिवो। अनेक शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री मानक मनरे द्वंद रही प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत पिलांग पई करा जाउछि षष्ठ सप्तम अष्टम काहेकि करा जाउ नाही आपण माने जानिछन्ति या पूर्वरु अल्प दिन पई हो बरम षष्ठ सप्तम एवं अष्टम श्रेणी पिला मानकर श्रेणीगृह शिक्षादान कार्य चालीथिला पूर्व पर्याय से ही समय से बेसलाइन असेसमेंट कार्य समाप्त हो सारी। सुतरां एबे जो मार्च 9-10-11 तारीख में बेसलाइन असेसमेंट हम यहाँ केवल प्रथम श्रेणी पंचम श्रेणी पर्यंत हम यही मान निर्धारण कार्यर मुख्य उद्देश्य हूँ शिक्षार्थी मानकर शिक्षण स्थिति को जानिबा एवं तदनुजाई विभिन्न पंथा और कौशल अवलम्बन कर सेमानंकु श्रेणी उपयोगी शिक्षण फलाफल हासिल करिवारे साहाय्य करिवा। दुई वर्ष काल श्रेणीगृह शिक्षादान संभव हो न पारिबा कारणरु जो लर्निंग गैप हो जाइछि बा जो शिक्षण व्यवधान हो जाइछि ताको आकलन करिवा जे पिलाटी एक्चुअली वर्तमान स्थिति रे कोण जानिछि एवं तदनुजाई परवर्ती समय रे ताकु श्रेणी उपयोगी जो सब शिक्षण फलाफल रही लर्निंग आउटकम सब रही सहित से ही स्तर पर्यंत नहीं जीवा बेसलाइन असेसमेंट मुख्य उद्देश्य। ये बेसलाइन असेसमेंट कार्यपाई आम कि भाव में प्रस्तुत हवा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में भाषा और गणित एवं चतुर्थ पंचम श्रेणी में भाषा गणित और इंग्राजी विषय में मान निर्धारण करके प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी पांचटी जाक श्रेणी में भाषा एवं गणित ये दुईट विषय बेसलाइन असेसमेंट एवं चतुर्थ पंचम श्रेणी दुईट श्रेणीपी आउ गोटे अधिक विषय बेसलाइन असेसमेंट इंग्राजी सामाजिक पाठ सामाजिक विज्ञान बा परिवेश विज्ञान आम जहाँ कहते से कौन बेसलाइन असेसमेंट करना। प्रत्येक श्रेणीपी मौखिक प्रश्न रही लिखित प्रश्न रही मौखिक प्रश्नपाई आवश्यक सामग्री पूर्वर प्रस्तुत कर रखिथे मौखिक प्रश्नपी प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भाव में डाक पचारे और शिक्षार्थी हासिल कर मार्क को लिपिबद्ध करेंगे। मान निर्धारण करने समय आम कतोटी दिग प्रति ध्यान देवा जमीक मान निर्धारण करने समय आप श्रेणी एक आनंदमय परिवेश सृष्टि करेंगे आपण शिक्षार्थी माने जेभळी निर्भयरे समस्त प्रश्नर उत्तर देबे सेथिपई समस्त को उत्साहित करिवे एही कार्यटी को अनौपचारिक ढंग से संपन्न करा जिवो ओ शिक्षार्थी माने निजस्व ढंग से अंशग्रहण पई सुजोग देबे। मान निर्धारण पई समस्त शिक्षार्थी को उपस्थिति ओ अंशग्रहण को निश्चित करिवे चेष्टा करिवे मैक्सिमम संख्या छात्र छात्री जेभळी भाव में विद्यालय उपस्थित रहंती एवं ए बेसलाइन असेसमेंट रे अंशग्रहण करंती अदरवाइज आम सब पिला आकलन कर शैक्षिक स्थिति कौन रही। शिक्षार्थी मैंने लिखित प्रश्नर उत्तर देवापर आप मौखिक प्रश्नर मान निर्धारण करेंगे मान निर्धारण कर सारे बेसलाइन असेसमेंट काम सर आपण प्रत्येक शिक्षार्थी मौखिक और लिखित प्रश्नर उत्तर को ठीक भाव में मूल्यांकन करेंगे और उपयुक्त फर्दर मार्क को लिपिबद्ध करेंगे गोटे स्कोरिंग सीट आमको जोगे दिया जीवो से स्कोरिंग सीट रे ताको फिलअप करेंगे मुझे सब देखेदेवि आपन को टी एंड एसीआरटी रो जो लेटर एवं जो स्कोरिंग सीट फॉर्मेट अच्छे आपण देखेदेवि शिक्षार्थी उत्तर फर्द को सहित आलोचना करेंगे और भूल ठीक उत्तर को विश्लेषण करेंगे शिक्षार्थी मैंने परस्पर मध्य उत्तर को नहीं आलोचना करेंगे
शिक्षार्थी शिक्षण स्थिति को अभिभावक मान सहित आलोचना करेंगे। यही मान निर्धारण उद्देश्य आधार में शिक्षार्थी शिक्षण स्थिति को नहीं परवर्ती योजना प्रस्तुत करेंगे। ये थिला शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाई ये जो बेसलाइन असेसमेंट बा मान निर्धारण होउची से संपर्क रे केतटा सूचना डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर जो लेटर करिसंती आपण माने स्क्रीन ले देखि परथिबे जहार सब्जेक्ट रहिचे सबमिशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बेसलाइन असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम ग्रेड 1 टू 5 एंड गाइडलाइंस। ठीक अछि तो आपण तो या पूर्व लेटर मध्ये स्कूल रीओपनिंग गाइडलाइन जो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू आसीथिला सेथरे कह जायथिला ई जो बेसलाइन असेसमेंट हबो तार प्रश्नपत्र टी एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर प्रस्तुत करिवे से माने तार सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी ओसेपा को देई सरिचंत एवं सेथरे मध्ये से कथा कहि देइचंत एवं गाइडलाइन मध्ये प्रस्तुत कर देइचंत। वर्तमान जो क्वेश्चन प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी पर्यंत भाषा गणित एवं इंग्रजी तार सॉफ्ट कॉपी टी एंड एससीईआरटी पठाई सारी ओसेपा को एवेलेबल हो जाए समय कनसर्न डीओ बीओ एवं सीआरसीसी जरिया स्कूल पॉइंट पहुँचे जेहेतु यूट्यूब एक पब्लिक प्लाटफर्म एथेर जे केवल शिक्षक मैंने वीडियो बाय इनफर्मेसन को देखुंत नुहे अनेक पब्लिक देखु थे अभिभावक देखु थे अभिभावक जो मैंने नुहंत से देखु थे तेणु बेसलाइन असेसमेंट क्वेश्चन को यह प्लाटफर्म एक्सपोज करवा आद समीचीन हेना मुझ आशा करश्चित भाव में आपजे जो मैंने क्वेश्चन पाइबार समस्या अनुभव कंटैक्ट करले कले समस्या समाधान दिगरे आमे प्रयत्न करवा आशा निश्चित भाव में ये भिडियोटी आपको सहायक हम बेसलाइन असेसमेंट को कंडक्ट करने निश्चित भाव में बेसलाइन असेसमेंट को नहीं गोटे क्लारिटी आपण मानक मिल सब समस्त अनुरोध करी माइंड वर्ल्ड सहित कनेक्टेड ही रही।